एक बहुत बड़ा तबाहकुन स्यारचा जो कि जमीन की तरफ बढ़ रहा है इसी महीने जमीन के करीब से गुजरेगा। इस स्यारचे को पहली बार नासा ने 1998 में दरियाफ्त किया और इसे एस्ट्रॉयड 52768 या 1998 OR2 का नाम दिया। 29 अप्रैल 2020 ऑस्ट्रेलिया के वक्त के मुताबिक शाम 8:56 पर ये स्यारचा जमीन पर कोई असरात छोड़े बगैर गुजर जाएगा। नासा के अदाद व शुमार के मुताबिक इस चट्टान की जसामत 1.8 किलोमीटर जबकि इसका मुकम्मल रकबा तकरीबन 4.1 किलोमीटर है। इससे मुराद ये है कि अगर ये मुस्तकबिल में जमीन से टकराया तो आलमी सतह पर बुरे असरात मुरतब होंगे। खलाई इदारे ने कहा है कि 1 से 2 किलोमीटर बड़े स्यारचे के असरात से आलमी माहौल में बड़ी तब्दीली हो सकती है जिससे वसी पैमाने पर फसलें बर्बाद और जमीन पर जिंदगी तबाह हो सकती है। इस किस्म की माहौलियाती तबाही या आफत जो पूरी बनी नोए इंसानी को खतरे में ला सकती है और ये भी अंदाजा लगाया गया है कि ऐसा लाखों सालों में एक बार हो सकता है। नासा ने यह भी कहा है कि तकरीबन 5 किलोमीटर से बड़े जिसामत वाले स्यारचों की वजह से बहुत बड़ी तबाही हो सकती है। 1998 OR2 सूरज के गिर्द 31,320 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से पैजवी शक्ल के मदार में चक्कर लगा रहा है। खलाई चट्टान इस बार 63 लाख किलोमीटर की दूरी से जमीन के पास से गुजरेगी। जब यह स्यारचा जमीन के करीब होगा तो इसका जमीन से फासला चांद के फासले से 16 गुना ज्यादा होगा। इसका शुमार तबाहकुन अजसाम में होता है क्योंकि ये जमीनी मदार के करीब तवातुर से गुजरता है जो कि जमीन के लिए खतरा बन सकता है। जब यह स्यारचा जमीन के करीब अजसाम को पकड़ने वाले प्रोग्राम ने दरियाफ्त किया तो नासा ने यह कहा था कि कई दहाइयों तक इसके जमीन के लिए कोई खतरात नहीं है। 1998 में OH नामी स्यारचा जब जमीन के करीब से गुजरा तो उसका फासला 50 लाख किलोमीटर था जो कि चांद के फासले से 12 गुना ज्यादा है। अगली बार यह स्यारचा 18 मई 2031 को जमीन के करीब से गुजरेगा तो इसका जमीन से फासला 1.9 करोड़ किलोमीटर से ज्यादा होगा। ये स्यारचा उन हजारों छुपे हुए स्यारचों में से एक है जो निजामे शमसी में मौजूद हैं। जून 2013 तक तकरीबन 10,000 स्यारचों के बारे में जाना जा चुका है जिनमें 861 स्यारचे ऐसे हैं जिनका रकबा 1 किलोमीटर तक है और इन 10,000 स्यारचों में से 1,409 स्यारचे ऐसे हैं जो तबाहकुन हैं। अब तक तकरीबन 9,50,000 स्यारचों का पता लगाया जा चुका है जिनमें ज्यादातर स्यारचे मरीख और मुश्तरी के दरमियान स्यारचों वाली बेल्ट में सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं।